साथ बच्चों का फिर क्या होता है? बच्चों का आप इमेजिन करिए कि जब फादर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा कर रहा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? क्या वो बच्चों के पास फादर की इनहेरिटेंस, विरासत में हक होता है? क्या ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ मैरिज बॉर्न हुए हैं, जो तकरीबन हाफ द पॉपुलेशन है आज वहां की, क्या वो सारे बच्चों के पास अपनी फादर की प्रॉपर्टी में राइट होता है या नहीं होता है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई थिंक नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होगा. तो हम देखते हैं कि उन्हें विरासत का हक नहीं मिला, उन्हें वालिद फादर की प्रॉपर्टी में विरासत का राइट वो बच्चों को नहीं मिल रहा. फर्दर हम ये देखते हैं कि कई बार ऐसे बच्चों के बचपन बहुत ट्रॉमेटिक गुजरते हैं. टिम लूटन नाम के एक एमपी है, ब्रिटिश एमपी, अभी एक्स एमपी बन चुके हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था पार्लियामेंट में, और प्रोटेस्ट के दौरान वो लोगों ने ये कहा था और रिपोर्ट्स कोट की थी कि ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ मैरिज बॉर्न होते हैं उनका परफॉर्मेंस स्कूल में ख़राब होता है, कई बार सब्सटेंस अब्यूज में पड़ जाने के इन बच्चों के ज़्यादा चांसेस होते हैं. उसी तरह हम देखते हैं कि कई बार ऐसे बच्चों को जो ट्रॉमा और जो डिफ़िकल्टी से गुजर करके उनका बचपन गुजरता है, इसकी वजह से उनका आउटपुट ख़राब होता है. तो जो लोग आज कहते हैं कि वेस्ट प्रोग्रेस कर रहा है, उन्होंने अब तक ये जनरेशन देखी नहीं है. जो जनरेशन अब पैदा हो रही है, ये आज से 25-30 साल बाद पता चलेगा कि इसका आउटकम क्या है. जो जनरेशन है वो 25 साल पुरानी, एक तरीके से कहा जाए, बीज है जो आज जाके कहीं रंग ला रहा है, पौधा बन के दिख रहा है. और वो जमाने में प्रॉब्लम इतना सीवियर नहीं हुआ करता था. अभी जो जनरेशन पैदा हुई है, इनका आउटपुट क्या होगा आज से 30 साल बाद देखिए. ऑलरेडी वो लोग कह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उनका कहना है और रियलाइजेशन है कि ये कल्चर के प्रॉब्लम होने वाले हैं. उन्होंने कहा के लेट्स इंट्रोड्यूस टैक्स बेनिफिट्स फॉर सच मैन, ऐसे मर्द जो बच्चों को मैरिज के बॉन्ड्स के अंदर पैदा करते हैं, उन्हें टैक्स बेनिफिट्स दो. ये उनका कहना है, ताकि ये कल्चर को डिस्करेज किया जाए. यानी ये प्रॉब्लम है, ये उन्हें खुद रियलाइज हो रहा है, और वो चीज़ आज एक्सपोर्ट होकर इंडिया जैसी कंट्रीज ब्लाइंडली फॉलो कर रही है, और वो कल्चर यहाँ लाया जा रहा है.